अब ये हुआ सीसीटीवी कैमरा एक्टिव। ओह शिट, खुराना की गाड़ी, आकाश मरेगा। अरे मेरा हस्बैंड है, पकड़ो अपनी टी-शर्ट। अरे तुम नहीं जानते, बहुत डेंजरस मेरा हस्बैंड। नहीं नहीं जल्दी, अरे क्या चल, हेलो हाउ आर यू डूइंग बेबी। हाय आई एम गुड, एंड हाउ वाज इट? या इट वाज एक्सीलेंट। आज तो बहुत थक गया यार। आज थका है, कल मरेगा। अच्छा तू वो सब छोड़, वैसे मुझे पता है किससे कैसे बचना। थैंक्स टू यू ब्रो, वैसे कमाल का हैकर निकला यार तू। अबे ओ, मैं कोई हैकर नहीं हूँ, मैं बस एक ऐसा सिक्योरिटी फायरवॉल बना रहा हूँ जिससे कि हैकिंग रुक जाए। क्या बना रहे? सिक्योरिटी फायरवॉल। मतलब अपने पेट पे खुद ही लात मार दो, है ना? तुझे पता है तू हैकिंग से कितने पैसे कमा सकते है? ब्रो सोच यार तू। आकाश छोड़ दे ये सब, क्या मिलता है तुझे उन औरतों को ब्लैकमेल करके कुछ पैसों के लिए? सुख। हाँ सीरियसली, मुझे भी और उन्हें भी पैसा है, पर पति भी सबके सब लोनली डेस्परेट, और वैसे भी मुंबई में रहने के लिए पैसे तो चाहिए ना। अगर मैं ये ना करूं तो द इंटेलिजेंट शांतनु त्रिवेदी की ये महंगी पढ़ाई कैसे होगी? थिंक ब्रो, थिंक। सुधर जा। आई नो ब्रो तुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, पर सीरियसली इसमें तुझे इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तेरा कट मिल रहा है, साथ साथ तू पढ़ भी रहा है, सोच चाहे अच्छे तेरे ऊपर कितना गर्व करते, तो ये सब कुछ क्यों करना चाह रहा है ब्रो तू? तू नहीं सुधर। चल फिर, एक अच्छी पेमेंट आनी है तो मैं निकलता हूं। तुम अपने बेटे के बारे में सोचो, उसके ऊपर क्या इम्प्रेशन?
पड़ेगा हमारा। मैं मेरी बेटी को सही संभाल रहा हूँ, उसका मैं पूरा देखभाल कर रहा हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। यार दिल्ली की लड़कियां कितनी हॉट होती है यार। मिश्का को देखा है? दिल्ली से है भाई, क्या लगती है। थोड़ी दोस्ती तो बनती है भाई उससे। मैंने सुना है वो तेरी सोसाइटी में रहती है। हाँ, इंट्रो कराएगा हमारा? अबे पागल हो गया, ये इंट्रो तब कराएगा जब इसका खुद का इंट्रो हुआ होगा। उसको तो पता भी नहीं होगा कि ये उसकी सोसाइटी में रहता है। तो सही है भाई। अबे आ रही है, आ रही है, आ रही है। समझती हो, दिन भर काम करके थक कर शाम को घर पे आओ और यहाँ पर खाना भी नहीं मिलता। तो मत आया करो ना घर पे। ठीक है ठीक है, कल से मैं घर आऊंगा ही नहीं। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। एटलीस्ट अपनी बेटी का तो लिहाज करो, पढ़ रही है वो। और तुम्हें ध्यान नहीं है कि एक बेटी यहाँ पर बैठी हुई है? हमेशा गलती मेरी होती है क्या? नहीं नहीं, सारी गलती तो बस मेरी ही है जो मुंबई आने के लिए मैंने हाँ बोल दिया। हाँ तो दिल्ली में रहती ना, मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई यहाँ पर? अरे इतनी ही परेशानी हो रही है तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? चली जाओ ना तुम या मैं चली जाती हूँ। अरे तो क्या करूँ, तुम्हारे पैसे के लिए पैसे कमाने को। क्या उधर क्या छुपा रहे तुम उससे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है यार। ओके, तो पक्का मेरे से कुछ नहीं छुपा रहा? नहीं नहीं, अरे वो देख रहा, वो स्टार्स देख रहा था मैं। और आजकल जुपिटर वुपिटर भी आ रहा, न्यूज में आ रहा था ना। हाँ जुपिटर। चल मैं आता हूँ अभी, मुझे काम है एकदम। हाँ हाँ, ठीक है, आई सी यू। सी यू। या रोज ये खाना डॉग्स के लिए रख के जाती है और स्वीपर फेंक देता है, प्लीज आप उसे मना करिएगा। ठीक है, थैंक यू। One second. तुम मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों जाते हो? मैं तो नहीं भागा था। किसने कहा मैं भागा था? अब सुबह भी तो भाग गए थे। नहीं मैं नहीं भागा था, वो तो मैं बस ऐसे ही जा रहा था काम से। एक्सक्यूज मी। सुनो तुम वहीं रहते हो क्या? हाँ वहीं, बस आपकी कॉलोनी के सामने। कुछ नहीं, एक्सक्यूज मी। आज तो मरते मरते बचा हूँ, पता नहीं उसको देखते ही क्या हो जाता है। सारी हिम्मत छुट्टी पे चली जाती है। इतना भी नहीं बता पाता हूं उसको कि उसके ठीक घर के सामने रहता हूं। She looks so kind.
कल मुझे देखकर भाग क्यों गए थे? कौन? मैं तो कभी नहीं भागा। वो तो मैं बस ऐसे ही इधर तक ही जा रहा था। डरते हो तुम मुझसे? मेरे सर पे सींग लगे हुए हैं क्या? भूत लगती हूँ मैं तुम्हें? भूत खूबसूरत नहीं होते, और तुम तो बहुत खूबसूरत हो। सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। तुम यहाँ कहीं आसपास रहते हो? हाँ, बस वही है ना, न्यू बिल्डिंग, सिक्स्थ फ्लोर, बी विंग। बी विंग सिक्स्थ फ्लोर पर, बिल्कुल सामने। दैट मींस वी आर नेबर्स। मिश्का, चान, नाइस मीटिंग यू। कॉलेज जा रहे हो तुम? हाँ। मैं भी कॉलेज जा रही हूँ, तो अकेले अकेले जाने से अच्छा है कि हम दोनों साथ चलते हैं, इफ यू डोंट माइंड। नो, लेट्स गो। लेट्स गो। तुमने मेरे मॉम डैड की लड़ाई भी देखी है क्या? आवाजें भी आती होंगी। कभी कभी। एक सेकेंड, वो ईयरप्लग्स और चॉकलेट्स तुमने मुझे गिफ्ट किए थे? That's so thoughtful. Thank you so much. Most welcome. So a Mumbai boy? Yeah, 100%. Born and brought up. Mishka, ek baat batao. Do you love dogs? I adore them. Mujhe dogs bahut pasand hai, insano se bhi zyada. Jab bhi main dogs ke saath hoti hu na, main bahut khush hoti hu. Delhi mein main unhe roz khana deti thi. Delhi ki bahut yaad aati hai na? अच्छा, ये मुंबई कैसा लगा तुम्हें? जैसा सोचा था ना, उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब आई मिस माय सिटी, माय फ्रेंड्स, बट दिस सिटी इज फन टू। यहाँ का मौसम, बारिश, यू नो व्हाट, मेरा मन होता है कि मैं एक बाइक ट्रिप पे चली जाऊँ, बारिश में फिर भुट्टे खाऊं, कॉलेज वॉलेज सब छोड़ दूं। एनीवे, हमें कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, लेट्स गो। ओह या, लेट्स गो। पता नहीं कैसे बोल पाऊंगा उसे, उसे बारिश और भुट्टे दोनों बहुत पसंद है। Maybe I can take her out for a bike ride. लेकिन ये तो तभी होगा ना जब मुझ में उससे पूछ पाने की हिम्मत आए। Damn it! सही कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान। और कल हम लोग बीच पर मिलेंगे। Hi mom, how are you? How's dad? Everything's good? या। और बताओ क्या चल रहा है घर पे? सब ठीक? अच्छा, या मम, बस ठीक है, आई विल टॉक टू यू लेटर। या हाँ जी, ओके बाय। यार कुछ भी कहो, मानना पड़ेगा ये जो शान बंदा है ना, ये है बहुत क्रेजी है। क्रेजी नहीं है यार, वो प्यार करता है मिश्का से, और तू तो जानता है लोग प्यार में क्या क्या करते हैं। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन उसने जो किया ना वो गलत है। आई मीन, अब देखना, आकाश ने सब कुछ पढ़ लिया और मुझे लगता है कि अब वो इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। यार पर शान ने डायरी में सिर्फ अपनी फीलिंग्स लिखी, इसमें उसकी क्या गलती? चल आगे देखते। वाओ, इट वाज सच अ ग्रेट आइडिया कि हम यहां आ गए। थैंक यू सो मच। वेलकम। एक गेम खेलें? श्योर। ओके, सो इस गेम में ना मैं एक वर्ड बोलूंगी और वो वर्ड सुनते ही तुम्हें एक वर्ड बोलना है, जो भी तुम्हारे दिमाग में एकदम इंस्टेंटली। ओके ओके, ऑलराइट। सो द वर्ड इज बारिश। कॉफी। डेट। जीरो एक्सपीरियंस। व्हाट? You mean to say कि तुम्हारी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? No. Dude, तुम्हारा चाइल्डहुड तो बड़ा ही डिप्राइव था। बस ऐसे ही, शुरू से ही बॉयज स्कूल में था और गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कभी बनी नहीं, तो इसलिए। तो I'm a girl और तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ। So your girlfriend? Wow. Okay. Okay. Hey, hey, stop, Mishka. Mishka, stop. Hey. तुझसे हाँ प्यार,
सुन सजना दिल की धुन तुझको बुलाए रे, तेरे सिवा दूजा कोई मन को न भाए रे। सुन सजना दिल की धुन तुझको बुलाए रे, तेरे सिवा दूजा कोई मन को न भाए रे। तू ही जिंदगी है मेरी, तू ही दिल का करार, जा से ज्यादा करता हूँ मैं तुझसे हाँ प्यार, तुझसे हाँ प्यार। Hey. Hi. How are you? Not good. Why? What happened? पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अपना मेल अकाउंट एक्सेस ही नहीं कर पा रही हूँ। मैंने पासवर्ड भी रिकवर किया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। Small thing. अच्छा, मैं कुछ करूँ? तुमसे भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक बार। Try. All right. Thanks. And. Wow, you're awesome. कहीं तुम हैकर तो नहीं हो? नहीं। चल मजाक कर रही हो। But thank you so much for this. फ्रेंडशिप में इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अच्छा, कैंटीन चलोगी? मैं एक मेल करके आऊँ। ओके। ओके। See you soon. Bye. See you. Yeah. Bye. Bye. क्या करते हो यार? कम से कम खाना तो खिला दिया करो यार। देखना क्या हाल बना दिया इसका। जाओ। Excuse me? हाँ? आप यहाँ कहीं आसपास रहते हैं क्या? जी नहीं, एक्चुअली मेरा यहाँ पे दोस्त रहता है तो मैं उसी से मिलने आया था। I love dogs, तो इसे देखा तो मैं यहीं पे रुक गया। मैं डॉग शेल्टर भी जाते रहता हूँ उन्हें खाना खिलाने। वैसे आपको डॉग्स पसंद है? I love them. Wow. फिर हम एक काम करते हैं, मैं आपको डॉग शेल्टर लेके चलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे। आई मीन तो, बट आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। श्योर, थैंक यू। ओके, बाय। Shan, I'm so happy today. अच्छा, why so happy today? Actually ना, मुझे मुंबई से प्यार है। पहले मुझे यहाँ की रेंज, डॉग्स पसंद थे, अब मुझे यहाँ के लोग भी पसंद आने लगे। एक बात पूछूं? पूछो। हम इस ऑसम से वेदर में यहाँ अकेले बैठ के कॉफी पी रहे हैं, तो टेक्निकली ये भी एक डेट हुई ना? या? Cheers. Cheers. You know what, Shan? तुमसे मिलने के बाद ना मुझे मेरी लाइफ पहले से ज्यादा अच्छी लगने लग गई। Thank you so much for everything. Cheers again. Cheers. मेरा पहला इश्क।
अच्छा सुन, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वो सुना ना काम हुआ भाई, कल रात पेमेंट करानी है। हाँ फाइल रेडी है। कहाँ है? चले, इसमें सब कुछ। एक काम कर, मेरे फोन में भी डाल दे भाई, क्या पता कब वायरल करना पड़ जाए। भाई डाल दे जल्दी। शान कहाँ खोए? देख आकाश, मुझे लगता है अब हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। क्या हो गया तुझे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वजह से कोई भी लड़की इमोशनली हर्ट हो। आकाश सोचना, कभी किसी लड़की को तुझसे अगर प्यार होगा तो उसे कितना हर्ट होगा कि हम ये काम करते हैं। बकवास मत कर यार, ये बिजनेस है मेरा, और जो औरतें हैं ना उन्हें खुद नहीं पता उनके पास पैसा कितना है। तुझे पता ही क्या, 99% औरतों के हस्बैंड बोरिंग होते। देख आकाश, ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, सारी रिच गर्ल्स एक जैसी नहीं होती है, तू समझता क्यों नहीं है? क्या हुआ तुझे, प्यार व्यार हो गया क्या मेरे पीछे? भाई मेरे बच्चे, इन चक्रों में मत पड़ यार। शान थैंक यू सो मच, तुमने मेरे प्रोजेक्ट में इतनी हेल्प की, अब फाइनली मैं अपना प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट कर पाऊंगी। तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मैं क्या करती। योर नोट्स वर रियली हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम श्योरली आई विल ट्राई टू डू माय प्रोजेक्ट्स अपने आप। शान क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलो लेट्स स्टडी, चलते हैं। शान मुझे ना तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम इतने सीक्रेटिव क्यों हो? हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, फिर भी आज तक मैंने तुम्हारे मॉम डैड को नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने कजन के साथ रहता हूँ और ये घर मेरे अंकल आंटी का है। ओके, तो मैंने तुम्हारे कजन को भी नहीं देखा। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, क्योंकि मेरा कजन कॉन्फ्रेंस के चक्कर में मीटिंग्स में रहता है और मेरे अंकल आंटी जोधपुर में रहते हैं, इसलिए। शान देयर इज समथिंग रॉन्ग, बताओ। अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। एनीवे छोड़, बस इतना जान लो कि मेरे कजन ने मेरे लिए बहुत किया है और मैं मुंबई में सिर्फ उसी की वजह से सरवाइव कर पा रहा हूँ। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना एक नया सिक्योरिटी फायरवॉल बनाने वाला हूँ, एक ऐसा फायरवॉल जिसे कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। Isn't that interesting? Yes, it is. And I'm so proud of you. Shan, I wish that you really do well and make it big. Thank you. Chale? Yeah, sure. So proud of you. Shan, I wish that you really do well and make it big. बस एक बार ये सॉफ्टवेयर बना लो, फिर आकाश के चक्कर से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। बस अब बहुत हो गया, जो भी हो मैं अब एक नई जिंदगी शुरू करूंगा, मिश्का और अपने लिए एक नया फ्यूचर तैयार करूंगा। क्या शांत होगी, मिश्का को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पाते। Just tell her, you idiot. अरे मिश्का का फोन। हेलो। हेलो शान, मुझे तुम्हें बहुत एक्साइटिंग न्यूज बतानी है, तो आधे घंटे के अंदर अंदर कैफे में मिलो। ओके, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है मिश्का, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। ओके, सी यू सून, बाय। पहले तुम नहीं, पहले तुम बताओ। अच्छा ठीक है, एक्चुअली शान टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैंने तुम्हें बहुत पहले से बताना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया कैसे बताऊं, कहां से शुरुआत करूं, क्योंकि ये सब कुछ ना बहुत जल्दी हो गया। ओके, आई फाउंड समवन वेरी स्पेशल। आई एम सो हैप्पी। तुम उससे मिलोगे? या श्योर, आई एम श्योर यू लव हिम। वो यही कहीं है, आई विल कॉल हिम। हाय, देयर ही इज।
हाय आकाश। शान, यू नो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? आकाश हमारी सोसाइटी में आया था, इसका कोई फ्रेंड रहता है वहाँ पे, और जब मैं आई तो ये डॉग्स को खाना खिला रहा था। That's the best part, he loves dogs. मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने जाके इससे बात कर ली, और ऐसे धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग बढ़ती रही, एंड वी रियलाइज दैट वी लाइक ईच अदर। अमेजिंग नो? तो मिश्का, मैं ऑफिस से छुट्टी लेके इसलिए आया था कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं। So, can I? Yeah. चले? Shan, I'll see you later. I'll see you. Bye. कैफे लेके गए। She's a very nice girl, don't it? कुछ करना पड़ेगा। हाथे 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 हाथे। मैं तो डर गया था, तू उसे कुछ बोलना दे। नया पेचेक है मिश्का। रईस माँ बाप की लड़की। एक लौती वो भी। आजकल हम मिल भी रहे हैं, अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है, काफी क्लोज भी आ गए हम लोग। वैसे बड़ी वीक है ना वो इमोशनली, वो क्या कहते हैं वल्नरेबल, ऐसे ही फट गई यार, ऐसे 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 फट गई। लेकिन हाँ तेरी वजह, अगर तेरी वो डायरी ना होती ना ब्रो, तो टाइम लगता, टाइम ही लगता। इनफ आकाश, बहुत हो गया। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे, बहुत अब होगा, अब बहुत अब हो। स्टेप वन, नेकर भी। स्टेप टू, रिकॉर्ड। स्टेप थ्री, स्टेप फोर। कुछ भी नहीं बताएगा, साथ इतना काम करा है, एक एक स्टेप तो बता दे। चल मैं बताया, मैं तुझे कभी उसके साथ ऐसा नहीं करने दूंगा, ये बात तू अच्छे से जान ले। बाल खराब हो रहे मेरे। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और आकाश डोंट स्क्रू हर लाइफ, समझा? बस बस अच्छी दोस्ती है क्या? बस दोस्ती है ना, मतलब दोस्त। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ टाइम मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूं, उसके बाद तू पूरी रख ले, रख। तू भाई है मेरा, भाई है ना तू मेरा, पूरी रख। मैं अभी के अभी उसे सब कुछ बता दूंगा आकाश। गोली जा, अभी से बता। डरता हूं क्या उससे? मैं पुलिस को सब बता दूंगा आकाश, सब कुछ। मैं डर गया, ऐसा क्या खास है उस लड़की में? हजारों मिलेंगे तुझे। बट मैं एक चीज बताना भूल गया था, परसों ना मैं और मिश्का जा रहे हैं, उसी ने सजेस्ट किया प्लीज, तो बस मैं तुझे इतना बोल रहा हूं कि वो परसों के लिए रेडी रख। बाय।
क्या हो गया? चलते चलते बात करते हैं, मुझे रेडी भी होना है। मिश्का, मिश्का लिसन, मिश्का मुझे लगता है तुम्हें आकाश के साथ नहीं जाना चाहिए। यू बीइंग जेलस। मिश्का, मिश्का आकाश कजन है मेरा, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, ही इज नॉट अ गुड मैन। मुझे पता है कि तुम्हारा भी फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जैसे वो दूसरी लड़कियों का उठाता है। तो क्या बकवास करते जा रहे हो और किस बेसिस पे ये सारी बातें बोल रहे हो? मिश्का आकाश कजन है मेरा। यू नो व्हाट, यू जस्ट बीइंग जेलस एंड इनसिक्योर। जिस आकाश को मैं जानती हूँ वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मिश्का वो तुम समझ क्यों नहीं रही, वो तुम्हें ब्लैकमेल करेगा। मिश्का एंड आई लव यू। और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा जो आकाश दूसरी लड़कियों के साथ करता है। You're being disgusting, Sean. इतनी जेलेसी कि तुम उस पर कुछ भी एलिगेशंस लगाते जाओगे। शान, आकाश से मैं इतना तो मिल चुकी हूँ कि ये समझ पाऊँ किस तरह का इंसान है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ही इज रियल, ऑनेस्ट एंड कंपैशनेट। मिश्का, मिश्का क्योंकि वो इसलिए है, उसने सब कुछ मेरी डायरी से पढ़ लिया है। जो जो मैंने उसमें लिखा था तुम्हारे लिए, वो उसको सब पता है, तुम्हारी पसंद तुम्हारी नापसंद, और वो इस चीज का फायदा उठा रहा है। ही इज जस्ट फेकिंग इट। यू नो व्हाट, आकाश ने, यू आर अग्री, स्टे अवे फ्रॉम माय लाइफ, वरना मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूं। आई होप यू गेट दैट। मिश्का, मैं कुछ खाया बेबी ने? नथिंग स्पेशल, वही दाल रोटी। मूड खराब है बेबी का। आकाश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करो ना प्लीज। एक्चुअली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब? ये हमारे बीच जो है, आई मीन तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? मैं क्यों चेंज होऊंगा? नहीं, आई मीन आकाश, तुम मुझे कभी डिच तो नहीं करोगे? हमेशा लॉयल रहोगे? मैं क्यों डिच करूंगा, पागल हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मुझे ऐसा लगा तो मैंने पूछ लिया। ठीक ठीक किया तुमने। आकाश, मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे मॉम डैड कभी भी अलग हो सकते हैं। आई एम ऑलरेडी वेरी हर्ट। मैं और हर्ट नहीं होना चाहती। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा यार। और हम कल मिल रहे हैं। हाँ, तो मैं कल आऊंगा। ठीक है, तो मैं कल मिलता हूँ तुम्हें। राइट। क्या बोला तुमने मिश्का को मेरे बारे में? हाँ, क्या बोला? मैंने कुछ भी नहीं। देख, अगर मेरे इस डील में कुछ भी प्रॉब्लम आई ना, तो मैं पुलिस के पास तो जाऊंगा ही, और तुझे इतना मारूंगा कि तू हमेशा याद रखेगा, समझा? देख, वो लड़की मुझे चाहिए ही चाहिए। क्या? देख आकाश, ऐसा कुछ नहीं तुझे है। वो लड़की चाहिए ना, एक दिन यार, बस बस एक दिन रुक जा, उसके बाद तू मजे ले लेना। ऐसी लड़कियों के प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते यार। कल ये लगा छक्का। कदमों पे तेरे लाके मैं रख दूं दुनिया की सारी खुशी, बस में हो मेरे तो नाम मैं कर दूं अपनी ये जिंदगी, तेरे लिए जीता हूं मैं, तुझसे मैं जिंदा हूं, तू है मेरा आसमां, मैं तेरा परिंदा, loving it.
वैसे एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। इसके बाद और भी सरप्राइजेस हैं। वाओ, आई एम एक्साइटेड। मुझे नहीं खिलाओगी तुम? प्लीज। थैंक यू। क्या सोच रही हूँ मिश्का? यही कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब कुछ पसंद है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है मुंबई का मानसून बहुत रोमांटिक होता है। तुम्हें पता है क्या, जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं बाइक उठाता हूँ, रोड पे निकल जाता हूँ और अकेला घूमता हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें अपना पार्टनर इन क्राइम बना ही लूँ। वैसे एक और प्लान है मेरे पास। क्या? तुम्हें डॉग शेल्टर लेके जाने का। ओह माय गॉड, यू आर ऑसम। ये पकड़ो। थैंक यू सो मच। आकाश, ये हम कहाँ आ गए? ये मेरे एक दोस्त का घर है, उसने यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स ला के रखे हैं। चलो चलो, बहुत बारिश है। ओके चलो चलो। इश्क है तू मेरी जान, दिल पे लिखा नाम है जो, बस तू है दिलरुबा मेरा पहला, इश्क आकाश। अरे वो बाहर बारिश हो रही थी ना, टी शर्ट और जैकेट पूरी भीग गई तो इसलिए निकाला। आकाश, आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेट्स गो। ओके। आकाश, क्या हुआ? ये दरवाजा तो बाहर से बंद है। रुको, मैं चेक करता हूँ। पता नहीं यार, वो तो बाहर से कुछ किसी ने शायद लॉक वॉक कर दिया, बंद हो गया, पता नहीं। हम बाहर कैसे जाएंगे? तो क्यों ना जब हम यहाँ फंस ही गए तो क्यों ना मौके का फायदा उठा ले। आकाश, आकाश, स्टॉप इट आकाश। चिल्ला चिल्ला और चिल्ला, चिल्ला ले पहले, चिल्ला ले। आकाश, जस्ट स्टॉप दिस प्लीज, मुझे जाना है। चुप चुप, क्यों गुस्सा दिला रही है? कोई नहीं है बाहर। आकाश प्लीज, लेट मी गो। कैसे करेगी बताना? प्लीज लेट मी गो। हाँ, जा 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 जा। आकाश, हाँ बोल। आकाश प्लीज, चुप। आकाश प्लीज, लेट मी गो। आकाश, चुप। आकाश सर, आकाश सर, यही है आकाश। ले चलो इसको, ले चलो। तू नहीं बचेगा, चल। याद रखना, चल चल चल, तू नहीं बचेगा। ए, चल। मिश्का, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना मिश्का, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स 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 रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मिश्का, आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको शान जैसा एक अच्छा दोस्त मिला। जितना ब्रेव है उतना ईमानदार भी है। इसने अपना पूरा फ्यूचर और रेपुटेशन दांव पे लगा दिया सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए। ये हिम्मत वाले करते हैं। वेल डन। थैंक यू सर।
लेकिन शान, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? सर, मेरी फ्रेंड खतरे में है सर। सर, शी इज इन डेंजर। सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए सर, मैं सरेंडर करने के लिए भी तैयार हूँ। सर, आकाश मेरा कजन है जो कि औरतों को ब्लैकमेल करता है सर। क्या? इस काम में मैंने उसकी हेल्प की है सर। सर, बट अब नहीं, हमने बहुत वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स करे हैं सर उनके। सर, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा, बट प्लीज अभी मिश्का नीड्स अ हेल्प सर। प्लीज चलिए सर, शी इज इन डेंजर सर, प्लीज। सुनो, वैन निकालो, वैन। आकाश इज नॉट लेस देन अ क्रिमिनल। शान आकाश की हर करतूत का विक्टिम है। और हमारे पास और भी विक्टिम थे, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनको डर था कि उनका रेपुटेशन, उनका नाम बदनाम हो जाएगा। हमें गर्व है कि हमारे बीच में आज भी शान जैसे लोग हैं, जिसने सही वक्त पर आकर हमसे बातचीत की, वरना यह पॉसिबल नहीं हो पाता। आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन गलती आपने भी की है और लॉ के मुताबिक आपको भी सजा मिलेगी। मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूं, आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स है। ओके सर। हे मिश्का, डोंट क्राई, देखो अब सब सॉर्टेड हो गया है। नहीं शान, वो तुम्हारी पनिशमेंट, उसका क्या? गलती की है तो पनिशमेंट तो भुगतनी पड़ेगी। बट यू डोंट वरी, इट्स माय सेकंड चांस, आई कम वापस आऊंगा और विल स्टार्ट फ्रेश। एंड वेयर इज दैट ब्यूटिफुल स्माइल? स्माइल प्लीज। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे कितनी हिम्मत दी है आकाश से लड़ने के लिए और खुद से भी लड़ने के लिए। थैंक यू। आई एम सॉरी शान, गलती मेरी थी, बट आई एम सो हैप्पी नाउ, आई फाउंड यू। तुम जल्दी से वापस आना, बिकॉज आई विल बी वेटिंग। मतलब बंदे ने अपने फ्यूचर को, अपने करियर को स्टेक पे डाल के अपने आपको पुलिस पे सरेंडर कर दिया ताकि मिश्का बच जाए। सीरियसली ब्रो, एक्चुअली इसे कहते हैं सच्चा प्यार। एंड यू नो व्हाट, आई एम रियली इंप्रेस्ड विद दिस गाय। फाइनली उसके कजन की ब्लैकमेलिंग भी बंद हो गई और मुझे लगता है कि अब वो मिश्का के साथ वापस आकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते। हाँ, अब तो तू भी खुश होगा कि शान ने सच्चाई से अपने प्यार को पाया है ना। हाँ यार, मैं खुश तो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उदास भी है। मतलब उसे प्यार में झूठ नहीं बोलना चाहिए।